वैशाख का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और वैशाख के इस पवित्र महीने में करने वाले महा उपायों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का शिव पुराण के उपाय में। आज का ये वीडियो बेहद खास होने वाला है। यदि आपके घर में किसी को भी शरीर में रोग है तो वैशाख के इस पवित्र महीने में ये उपाय आपको करना चाहिए। यदि आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां हैं तो वैशाख के इस पवित्र महीने में आपको ये उपाय करना चाहिए। विशाखा नक्षत्र से संबंधित होने के कारण इसे वैशाख का पवित्र महीना कहा जाता है। इस महीने में धन प्राप्ति, पुण्य प्राप्ति के बहुत सारे अवसर मिलते हैं। ये माह इतना पवित्र है कि इसी महीने में अक्षय तृतीया का पावन दिन आता है। वैशाख का जो महीना होता है ना, वो भगवान विष्णु का, परशुराम जी का और अन्य देवी देवता की उपासना के लिए बेहद खास माना जाता है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में तीन महा उपाय के बारे में हम बात करेंगे जो कि इस पवित्र महीने में आपको करना है। देखो, सबसे पहला जो उपाय होगा वो शरीर के रोगों को दूर करने वाला होगा। दूसरा उपाय भी रोग मुक्ति का उपाय है, बिल्कुल अलग उपाय है। और तीसरा उपाय होगा विशेष धन प्राप्ति का। तो बहुत ही आसान से उपाय होने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुनकर के, समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देखो, वैसे तो ये उपाय जो आप करोगे ना, ये आपके पितरों को भी प्रसन्न करने वाला है। और वैशाख के ये सबसे अद्भुत उपाय हैं जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखो, एक एक करते हुए हम सारे उपायों को समझेंगे। सबसे पहले उपाय के बारे में देखो, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति हो, बच्चे हो, बूढ़े हो या आप हो, अगर आपकी जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा खराब होती है, यानी कि बार बार आपकी तबीयत खराब हो जाती है, साथ ही साथ आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका हाथ दूजता हो, जिसका शरीर दूजता हो, जिसे शरीर में कंपन होती हो, शरीर में कांप होता हो, मतलब शरीर जो है वो दूजता हो, मन में घबरावट होती हो, मन में डर लगता हो, यदि आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है ना, तो उसके लिए आप ये उपाय करेंगे या वो व्यक्ति भी ये उपाय कर सकता है। बहुत आसान सा उपाय है। इस उपाय के लिए क्या क्या सामग्री लेनी है समझना। थोड़े से आपको लेना है काले तिल, ठीक है, पीसे हुए काले तिल नहीं, साबुत काले तिल लेना है, थोड़े से काले तिल लेना, ठीक है। साथ में लेना है शमी का पत्ता, एक शमी का पत्ता ले सकते हो। साथ में आपको लेना है एक बेल पत्र, ठीक है। साथ में आप लोगे तांबे के पात्र के अंदर जल। वैशाख के किसी भी दिन, कल करना चाहो, कल शुक्रवार का दिन है, अक्षय तृतीया पर करना चाहो तो ये उपाय कर सकते हो, कभी भी आप ये उपाय कर सकते हो। आपको ये तीनों सामग्री लेकर के और साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेकर के आपके घर के नजदीक में जो भी भगवान शिव का मंदिर है वहां पर आपको जाना है। बहुत ध्यान से समझना, एक लोटा जल ले लिया, अब भगवान शिव के मंदिर में आप जाओगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना और उसके बाद एक लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आप अर्पित कर देना। अब आपके पास काले तिल है, काले तिल को आपके हाथ में रखना और हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करना और भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको हाटकेश्वर महादेव के नाम से अर्पित कर देना है। काले तिल आपने अर्पित कर दिए, अब आपको लेना है एक शमी का पत्ता, ठीक है। शमी का पत्ता आपको भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, जहां पर आपने काले तिल अर्पित करा है ना, काले तिल के ऊपर ही शमी का पत्ता आपको अर्पित करना है एक, ठीक है। अब आपके पास है बेलपत्र, बेलपत्र भी आपको शमी के पत्ते के ऊपर अर्पित करना है, डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ होगा। देखो, अब आपके शरीर में जो भी समस्या है, जो भी रोग है, जो भी कंपन होती है, जो भी घबरावट होती है, वो सब दूर हो जाए ऐसी कामना करना है। आपका सीधा हाथ आप जो शमी का पत्ता है, बेलपत्र है, उनके ऊपर आपको रखना है और आपकी जो भी समस्या है वो दूर हो जाए ऐसी आपको कामना करना है। कामना कर ली, अब आपको क्या करना है, जो बेलपत्र है, जो शमी का पत्ता है, ये दोनों एक साथ आपको उठाना है और माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है ना, वहां पर ये दोनों आपको रख देना है। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूं, इस प्रकार से आपको अर्पित कर देना है। काले तिल भगवान शिव के शिवलिंग पर ही चढ़ेंगे। आपने शमी का पत्ता और बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख दिए। अब आपको क्या करना है, जितने भी काले तिल आपने चढ़ाए थे उसमें से जितने भी आप वापस ले सके, जैसे सपोज आपने 11 चढ़ाए हैं तो 11 में से आप 10 भी ले सकते हैं। थोड़े से चढ़े रहेंगे ना भगवान शिव के शिवलिंग पर, एक दो भी चढ़े रहेंगे तो भी चलेगा और बाकी शेष आपको उठा लेना है।
अब आपको क्या करना है, भगवान शिव से औषधि के रूप में ये प्राप्त करना है और औषधि के रूप में आपको ये प्राप्त कर लेना है। इससे आपके शरीर के रोग दूर हो जाए ऐसे आपको कामना करना है, बीमारी दूर हो जाए, जो भी आपका कंपन है, जो भी आपकी घबरावट है वो सब दूर हो जाए ऐसी प्रार्थना करना है। और ये काले तिल औषधि के रूप में लेकर के आपको आपके घर पर आ जाना है। अब अगले दिन से जैसे आप सुबह प्रातः उठोगे ना, तो आपको ये जो काले तिल है इसमें से एक काले तिल का दाने का सेवन सबसे पहले, कुछ भी नहीं लेना है मुख में, आपको काले तिल लेना है और थोड़ा सा जल लेकर के इसे गटक लेना है। जो भी व्यक्ति काले तिल का सेवन इस प्रकार से रोज करता है, जब आप काले तिल का सेवन करोगे तब भी आपको हार्ट केशवर महादेव का नाम लेना है। किसी भी प्रकार की शरीर में बीमारी होगी, कितनी भी पुरानी बीमारी होगी, वो आपकी दूर हो ही जाएगी। कम से कम 5 से 7 दिनों तक लगातार इन काले तिलों का सेवन आपको करना है। जीवन की घबरावटें, जीवन की कंपन, वो सब दूर हो जाएगी। 1 खाओ 5 खाओ 10 खाओ आपके हिसाब से आप ग्रहण कर सकते हैं। देखिए ये हो गया पहला महा उपाय। देखिए अब हम बात करते हैं इस वीडियो के दूसरे महा उपाय की। ये उपाय भी रोग मुक्ति का है और ये तो बहुत ज्यादा आसान सा उपाय है। विशेषकर ये उपाय आपके बच्चों का कल्याण करने वाले हैं और ये उपाय जो भी व्यक्ति करेगा उसका कल्याण ही होने वाला है। शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है, शरीर में शीतलता प्रदान करने वाला ये विशेष उपाय है। ये उपाय विशेषकर एसिडिटी संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं जिनको, जिनका पेट दर्द बहुत ज़्यादा होता है, पेट संबंधित परेशानियाँ हो, लीवर किडनी संबंधित कोई परेशानियाँ हो, गैस संबंधित कोई परेशानियाँ हो, तो ये उपाय वो व्यक्ति कर सकता है। इस उपाय के लिए मात्र और मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। लेकिन वैशाख का पवित्र महीना है और आप वैशाख के पवित्र महीने में ये जो जल लोगे ये आपको आपके घर पर रखा हुआ माटी का जो मटका है उसका जल, शीतल जल, ठंडा जल आपको उसमें से निकालना है और उसके बाद तांबे के पात्र के अंदर डालना है। एक लोटा जल सारी समस्या आपकी दूर करने वाला है, लेकिन मटके का जल ही होने चाहिए। कहीं कहीं लोगों के यहाँ पर स्टील का जो मटका रखा रहता है ना वो जल नहीं चलेगा, माटी के मटके का जल ही लेना पड़ेगा। माटी के बर्तन में ही जल भरा होना चाहिए और वो ही जल का उपयोग आप कर सकते हैं। ये उपाय वैशाख के महीने में कभी भी उपाय कर सकते हैं। मात्र एक लोटा जल लेकर के आपको जाना है, साथ में खाली पात्र लेकर के जाना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है। अब आपको क्या करना है बिल्कुल ध्यान से समझना। भगवान शिव के शिवलिंग पर पतली धारा से कल्याणेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, हे कल्याणेश्वर महादेव मेरे जीवन का कल्याण करो, मेरे रोग को दूर करो, ऐसी कामना करते हुए, प्रयास करते हुए आपको पतली धारा से जल आपको अर्पित करना है। और जैसे आप जल अर्पित करोगे जलाधारी के वहाँ पर खाली पात्र जो है वो आपको रख देना है। जो भी जल आप चढ़ाओगे उसमें से कुछ जल आपका जो है वो आपको झेल लेना है। और इस वैशाख के पवित्र महीने में आपको क्या करना है, ये जो शीतल जल है जो आपने चढ़ाया था, जो आपने झेला है, वो जीवन की बीमारियों को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हुए आपको वो जल झेल लेना है और उस जल का सेवन आपको कल्याणेश्वर महादेव के नाम से करना है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय करता है, देखो ये जल ग्रहण कब करोगे, जैसे ही मंदिर के बाहर आओगे ना, मंदिर के बाहर आते ही पूरे जल को ग्रहण करना है कल्याणेश्वर महादेव के नाम से। ये औषधि के रूप में आपको लेकर के आना है, महादेव से प्रार्थना करना है, हो सके तो 108 बार नहीं तो 11 बार कल्याणेश्वर महादेव का स्मरण करना और उसके बाद इस जल का सेवन करना। पेट संबंधित, लीवर किडनी संबंधित जो भी रोग होंगे बहुत आसानी से दूर हो जाएंगे, शरीर में आपकी शीतलता आएगी। आप ये उपाय करोगे तो आपके रोग दूर होंगे। ये हो गया दूसरा महा उपाय। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण उपाय की, वैशाख के पवित्र महीने में धन प्राप्ति का कैसे उपाय आप कर सकते हैं। उपाय बहुत खास है, सरल सा उपाय है, किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन करोगे तो बहुत लाभकारी है। आप ये उपाय अक्षय तृतीया पर भी कर सकते हैं। एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, चौकुर सफ़ेद कपड़ा लेना है, ठीक है, सफ़ेद कपड़ा, बहुत ध्यान से समझना। साथ में 108 चावल के दाने, अक्षत के दाने आपको लेना है। सफ़ेद कपड़ा कितना बड़ा लोगे, आपके हाथ के पंजे के बराबर आप वो सफ़ेद कपड़ा ले सकते हो, ठीक है। साथ में रुमाल भी ले सकते हो, शुद्ध रुमाल, अगर नया रुमाल हो या शुद्ध रुमाल हो तो वो भी आप ले सकते हो। 108 चावल के दाने सफ़ेद कपड़े के ऊपर आपको रखना है। धन प्राप्ति का उपाय है इसलिए चावल जो है विशेषकर धन प्राप्ति में बहुत सहायक होते हैं। 108 चावल के दाने जब आप रखोगे ना पोटली के अंदर, एक एक करते हुए रखना, तो आपको ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय का जाप करना है। स्क्रीन पर आपको मंत्र मिल जाएगा,
ठीक है, पोटली के अंदर चावल डालते उसके बाद आपको पोटली का रूप दे देना है। अब आपको क्या करना है, इस पोटली के नीचे कटोरी रखना है, स्टील की कटोरी रखना है, और इस कटोरी के ऊपर पोटली रख दी, इसे घर के मटके के वहां पर पितरों के स्थान के वहां पर आपको रख देना है। जिसे समझना, ये 3 रात आपको वहीं पर पड़े रेंदना है, यानी कि मटके के पास में ही पड़े रेंदना है 3 रात। सपोज आपने आज रात में करा तो आज की रात हो गई, फिर कल की रात, फिर परसों की रात, फिर नरसों जो है, फिर सुबह जैसे आप उठोगे उसके बाद इसे उठाना है। समझ में आई बात, 3 रात आपको ये वहीं पर पड़े रेंदना है आपके घर के पितरों के स्थान के वहाँ पर, यानी कि आपके घर के मटके के वहाँ पर। ठीक है, यदि आप शाम को रख रहे हो तो 3 रात जोड़ लेना, तीसरी रात हो जाने के बाद चौथे दिन सुबह उठ करके ये पोटली जो है आपको क्या करना है, पोटली उठाना है। पोटली के साथ में आपको लेना है 11 रुपये दक्षिणा के लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल भी ले सकते हैं, और उसके बाद भगवान शिव के मंदिर में जाना है। भगवान शिव के मंदिर में 1 लोटा जल लेकर के, ये पोटली लेकर के 11 रुपये दक्षिणा के लिए लेकर के आपको जाना है। ये चावल की पोटली और 11 रुपये आपको पुजारी जी को दे देना है। अगर पुजारी जी नहीं लेते हैं ये पोटली आपसे, तो फिर आप क्या करोगे, किसी भी सुहागन स्त्री को आपको ये दे देना है। अगर सुहागन स्त्री भी आपकी ये चीज़ नहीं लेती है, तो आप मंदिर के बाहर जो भी बेलपत्र का पेड़ है वहाँ पर नीचे आप इस पोटली को रख कर के आ सकते हैं, और 11 रुपये जो है वो सुहागन महिला को आपको दे देना है। इस प्रकार से उपाय करना, और उसके बाद 1 लोटा जल जो है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर आप अर्पित कर देना। ये उपाय जो भी व्यक्ति करता है वैशाख के महीने में, धन की बरकत उसके घर में होती है, धन में वृद्धि उसके घर में होती है। जल शिव जी के ऊपर अर्पित कर देना, और ये उपाय आपको वैशाख के पवित्र महीने में करना है। ध्यान रखना, 3 रात पितरों के स्थान पर ही उन चावलों को पड़े रेंदना। विशेष आशीर्वाद आपको पितरों का मिलता है, पितृदोष पितर आशीर्वाद में बदल जाता है, जीवन की धन संबंधित परेशानियां निश्चित तौर पर दूर होती है। आशा करता हूँ ये तीनों उपाय आपको समझ में आए होंगे। बहुत ज़्यादा खास है, कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछना, प्रयास करूँगा आपको आपका जवाब देने का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव।